मेरे बॉस हमेशा कहते थे कि सर्वेलेंस में लिसनिंग इज अ फाइन आर्ट। एक ईमानदार फौजी था। ये टैंक्स, ये गन्स वाकई बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं प्रताप। At four times bloody price? एक दिन लड़ते लड़ते बहुत दूर निकला है। ऐसा भी तो नहीं कि तुम्हारी जेब से जा रहा है। What's the problem, damn it? It's the bloody taxpayers' money. जब आग खुली तो पता चला कि वो चोरों की बस्ती में है। फौजी ने बहुत सोचा और अपनी वर्दी उतार दी। मुझे शक है तुम्हारे यूनिट में से कोई बिक गया है। मुझे जय बख्शी सर। That bright kid? वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना अब है? नो मैम, फौजी है, प्रॉब्लम क्या होगी? तुम्हें बहुत मानता है, बोलता रहता है कि अभय सर के जैसे बनना है। इंडियन आर्मी पर से लोगों का भरोसा कभी उठना नहीं चाहिए अभय। सरेंडर योर सेल्फ। मैं जबान नहीं दे रहा हूँ लेकिन कोशिश करूंगा कि तुझे अपने हाथ से नहीं मारूं। आपको एक वार्निंग देनी थी, दे दी। आप लोग अय्यार हो, अय्यारी आती है आपको। गूगल करूं या मतलब भी बताएगा इसका, जो जब चाहे रूप बदलता है। मैं तुझे ढूंढ लूंगा जय। नहीं सर, आप मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। आप भूल रहे हैं मैंने ये सब आप ही से सीखा। जय, तूने ऐसा सुन के लिया? सर बहुत कुछ। मैं उन लोगों की मदद कर रहा हूं जिन्हें इस देश से कोई लेने देना नहीं। मैं गद्दार नहीं हूं सर। Perhaps this institution doesn't deserve an officer like me. Yes, it doesn't deserve you. It deserves more. मुझे पर्सनली आपसे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ है मेरे ही घर के आपके उन प्यादों से जो अपना देश बेचकर आपका धंधा चला रहे हैं। जिंदगी जिएगा जय तू इसके बाद? हमेशा पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा कि कोई तेरा पीछा तो नहीं कर रहा। और तेरा सबसे बड़ा डर होगा मैं। गरीब आदमी को ना उंगली नहीं करने का सब